प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने कर दिया ऐसा ऐलान कि बस सुनकर मजा आ जाएगा। आज जन्मे हर बच्चे को भाजपा देगी सोने की अंगूठी। जिसका भी आज है जन्मदिन वो हो गया खुश। सोने की अंगूठी पर छपी होगी पीएम मोदी की तस्वीर, जो आपको याद दिलाएगी कि ये तोहफा किसने दिया था। देखिए कैसे और कब दी जाएंगी ये अंगूठियां और किसे मिलेगा सोने का ये तोहफा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बहुत खास बन गया है। एक ओर नामीबिया से आए चीतों ने देश के अंदर माहौल बना दिया है, तो दूसरी ओर भाजपा के एक बड़े ऐलान ने जन्मदिन का मजा दोगुना कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुट गया है और अपनी अपनी तरह से आयोजन भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रदेश इकाई ने जो घोषणा की है उससे हर कोई दंग रह गया है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज जन्मे बच्चों को सोने की अंगूठी देने का भाजपा का ऐलान आखिर क्यों किया गया है। इसके पीछे मकसद महज लोकप्रियता हासिल करना है या फिर सच में पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन पर इतना ज्यादा खर्च करने को तैयार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने कहा कि हम चेन्नई में खास आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आज जन्मे नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी पहनाकर उनके जन्मदिन को खास बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने चेन्नई स्थित सरकारी हॉस्पिटल को चुना है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। अंगूठी बांटने के कार्यक्रम में आने वाले खर्च को लेकर जब मुर्गन से सवाल किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हर एक अंगूठी करीब 2 ग्राम सोने की होगी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए के आसपास हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त में दी जाने वाली रेवड़ी नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वालों का स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी की लोकल यूनिट का अनुमान है कि इस अस्पताल में 17 सितंबर को 10, 15 या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 20 बच्चों का जन्म हो सकता है। दक्षिणी राज्य इस मौके पर एक और अनूठी योजना लेकर आया है। पीएम के 72वें जन्मदिन पर 720 किलो मछली बांटने के लिए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मकसद से मछली की खपत को प्रोत्साहित करना है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली बीजेपी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर आयोजित करने समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर विशेष दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झुग्गी झोपड़ी के लोग हिस्सा ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अब कर लियो बातें।